जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे साथ में श्रीमान ओम प्रकाश अग्रवाल जी और श्रीमती श्यामलता अग्रवाल जी हैं, और अभी ये योगग्राम हरिद्वार में घूम के आए हैं। वहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और कई सारे इनको लाभ हुए। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको वहाँ आहार में क्या दिया जाता था और आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिला। तो पहले मैं श्रीमान ओम प्रकाश अंकल जी से, अंकल जी आपको वहाँ पर जैसे सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता था, दोपहर में लंच में क्या क्या दिया जाता था, और नाइट में आहार और प्लस आपको क्या लाभ हुआ, तो पहले आप आहार के ऊपर जरा। राधे राधे। हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, उसके बाद 5 बजे से 7:30 बजे तक बाबा रामदेव योगा करवाते थे और प्राणायाम करवाते थे। उसके बाद 7:30 से लेके 8:30 बजे तक डॉक्टर नीरज का लेक्चर होता था, बहुत बढ़िया लेक्चर होता था, सुनने लायक होता है। और उसके बाद मिट्टी पट्टी होती थी पेट पे, फिर उसके बाद हम लोग भोजनालय में आते थे और वहाँ पे सुबह नाश्ता मिलता था, एक फ्रूट्स, बादाम, अंजीर और मुनक्का, अखरोट और स्प्राउट, मेथी और मोट मूंग। उसके बाद में फिर हम लोग चले जाते थे ट्रीटमेंट सेंटर और वहाँ अपना जो भी डॉक्टर लिखता था वो ट्रीटमेंट होता था, मालिश वगैरह, स्टीम वगैरह, मट बाथ। और उसके बाद फिर रूम पे आके फ्रेश होते थे, फिर 12:30 बजे लंच होता था, 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक। तो उस लंच में मिलता था बॉइल्ड सब्जी, दाल और सूप, दलिया वगैरह जो डॉक्टर लिखता था वही सब मिलता था, लेकिन सब सिंपल, नमक कम, कोई मिर्च नहीं, कुछ नहीं। और यही रोज़ चलता था, रोज़ यही चलता। शाम को फिर ट्रीटमेंट सेंटर जाके ट्रीटमेंट होता, फिर रात को ऐसा ही भोजन मिलता था करीब करीब। अच्छा, रात को आपको फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए कैसा आहार दिया जाता था। रात को भी वही आहार, बॉइल सब्जी, कभी रोटी मिल जाती थी दो, नहीं तो खाली सब्जी। अच्छा, और सूप। अच्छा, हाँ ठीक। लेकिन भूख नहीं लगती थी, ऐसा नहीं कि आदमी भूख लग रहा हो। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम पे रहा नहीं जाएगा। वो एक दो दिन ऐसा लगता है। जी जी। उसके बाद में फिर एडजस्ट हो जाता आदमी। अच्छा अच्छा, क्योंकि वहाँ फुर्सत ही नहीं मिलती है रात को, सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक। जी जी। अच्छा अंकल जी, आपको जैसे वहाँ पे बीमारियों में क्या क्या लाभ हुआ। हाँ, मुझे मेरी 36 यूनिट इंसुलिन चलती थी दिन भर में, वो बंद हो गई। और मैं रोज आधी टेबलेट लेता था शुगर की, वो भी बंद कर दिया था। और मेरी जो एलोपैथी दवाइयाँ सब बंद कर दी वहाँ पे, सारी एलोपैथी दवा बंद हो चुकी है। और कुछ बता रहे थे वेट भी कम हुआ आपका। हाँ, 5 किलो वेट कम हुआ। 5 किलो वेट कम हुआ है, ठीक है। मतलब अभी शुगर आपकी लगभग नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है। और वेट लगभग आपका 5 kg कम हो गया। जी। अब मैं, और पहले नीचे नहीं, मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता था। हाँ, मैं नीचे बैठने लग गया। अच्छा, अभी आप बैठ के दिखाएंगे जरा। हाँ, देखिए। अरे वाह, वेरी गुड। तो मैं तो अंकल जी के घर आता रहता हूँ, अंकल जी मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो मैंने खुद देखा है। पहले अंकल जी बैठ नहीं पाते थे, अभी आराम से ज़मीन में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, हमारे साथ में आंटी जी हैं, आंटी जी से पूछूंगा। आंटी जी, आपको वहाँ पे किस किस बीमारी में लाभ हुआ थोड़ा सा बताइए। ओम, मैं योग से ऐसे तो 15-20 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरी बहुत सारी बीमारी, मुझे तो मल्टीपल बीमारियाँ थी। मेरे बच्चे मुझसे कहते थे कि कौन सी बीमारी आपको नहीं है आप ये बताओ। तो मेरा माइग्रेन पेन, साइनस, हार्ट, हाई बीपी, कमर दर्द, स्पॉन्डलाइटिस और मेरा थायराइड, ये सारी बीमारियों में मुझे योग करने से लाभ मिला है। अभी योगग्राम में आपको किस किस बीमारी में लाभ हुआ। योगग्राम में मुझे विशेष लाभ हुआ है थायराइड में। थायराइड में। हाँ। अच्छा। और मेरा बैक पेन था, कमर में दर्द था और स्पॉन्डलाइटिस, कम कंधे में बहुत दर्द था। जी जी। उसमें लाभ मिला है मेरे को। अच्छा। और हार्ट की प्रॉब्लम में भी लाभ मिला। अच्छा। हार्ट एनलार्ज बताया डॉक्टर ने। अच्छा। पहले मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलती थी। अच्छा। सीढ़ी चढ़ती थी तो मुझसे एक एक सीढ़ी बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। जी जी। लेकिन अब मैं आराम से सीढ़ी चढ़ रही हूँ। और कुछ आपका वेट भी कम हुआ है। हाँ, मेरा भी 3.5 किलो वजन कम हुआ है। अच्छा। और
लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत फीलिंग, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, हमारे अंकल जी का। और अभी देखो चेहरे पे प्रसन्नता भी है, और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, यही हमारे प्रभु से कामना है। और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे गुरु जी ने लाखों करोड़ों लोगों को योग सिखाया है, और इसी क्रम में हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, यही हमारा उद्देश्य था कि योग ग्राम में किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोगों से कहूँगी कि साल में एक बार जरूर योग ग्राम जाए। जी जी, जो हमारे बॉडी में जितने सारे टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, जी जी, वो सारे निकल जाएंगे 8-7 दिन के ट्रीटमेंट। अगर बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो योग ग्राम जाएं, जरूर जाएं। और किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसमें भी विशेष आराम मिलता है। विशेष वहाँ पर आते ही ऐसे लोग हैं जिनको खास खास बीमारी होती है, जी जी, जो ठीक नहीं हो रही होती। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।